नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा बोलियां एवं साहित्य, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े, और वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? तो यह कृति है कन्हैयालाल सेठैया की। ठीक है, कन्हैयालाल सेठैया की कृति कौन सी है? तो पाथल और पीथल है। जो कन्हैयालाल सेठैया की है जो कृति है, जो राजस्थानी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है राजमती। ठीक है, राजमती है जो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है। कौन? राजमती। अगला सवाल है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने की थी वंश भास्कर ग्रंथ की रचना। ठीक है, वंश भास्कर ग्रंथ की रचना है जो किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने, जो बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो यह रचित है राव बुद्ध सिंह द्वारा। ठीक है, राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित क्या है? नेह तरंग। ठीक है, नेह तरंग रचित है किसके द्वारा? राव बुद्ध सिंह द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित है या कृत है? तो वह है संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध। ये तीनों ग्रंथ है जो राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आपका सही जवाब होगा ए, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो कृतियाँ है कौन कौन सी है? संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है? तो वह है महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन। ठीक है, यह पुस्तक है महादेव पार्वती रिवेली, जिसके लेखक शिवदास गार्डन जो नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो लेखक यहाँ पर लिखा हुआ है, लेखक है इसके कवि सायांजला। ठीक है, कवि सायांजला है जिन्होंने रचना की थी महादेव पार्वती रिवेली की रचना की थी। ठीक है, अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था अजमेर में। ठीक है, अजमेर में हुआ था। किस ग्रंथ का प्रकाशन? तो वह हुआ था सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का है जो प्रकाशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। और यह किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ था। अगला सवाल है कि राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है? तो यह बताया जाता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है जो राजपूतों पर अंग्रेज अफसरों द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध पुस्तक को बताया गया है। किस पुस्तक को? तो ऑप्शन नंबर 4 वाली पुस्तक को है जो अत्यंत व्यापक प्रबंध बताया गया है। अगला सवाल है कि किस प्रतियार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? तो वह थे महिपाल के। ठीक है, प्रतियार शासक कौन सा था? तो वह था महिपाल। ठीक है, महिपाल वह शासक था जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर निवास करते थे। और इसकी व्याख्या है कि महिपाल महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था, और महेंद्रपाल कवि राजशेखर का शिष्य था, और कवि राजशेखर इन दोनों के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है कि निमाड़ी एवं रांगणी किस बोली की विशेषता है? तो यह विशेषता है मालवी की। ठीक है, मालवी बोली की विशेषता है कौन कौन सी? निमाड़ी और रांगणी। अगला सवाल है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है तो कौन सा है? अलवर। ठीक है, अलवर वह जिला है जो मेवाती बोली से संबंधित है। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो वह है भारतीय आर्य वंश से। ठीक है, भारतीय आर्य वंश से जुड़ी भाषा कौन सी है? तो वह है राजस्थानी भाषा। अगला सवाल है कि डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है तो क्या कहलाती है? वागड़ी।
ठीक है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है वह कहलाती है वागड़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानना है, गलत युग्म है पाली बागड़ी, ठीक है। पाली बागड़ी है जो गलत युग्म है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो। पाली में मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती है, तो पाली में क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी है जो राजस्थान की मूल भाषा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, तो वह है ब्रज, ठीक है। ब्रज भाषा वह भाषा है या वह बोली है जो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, कौन सी, ब्रज। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।